लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम देखेंगे इजी विंड रिलीज को, इसे पवन मुक्तासन कहते हैं, विंड रिलीविंग पोज भी कहते हैं। तो इजी वर्सन को थोड़ा सा टफ करके हम बनाते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इजी विंड रिलीजिंग पोज टू करते हैं आज। तो आइए इसके लिए हम सुपाइन पोज में, शवासन में, जो कि इसका प्रिपेरेटरी पोज है, इसमें हम आ जाते हैं। सीधा नजरों को ऊपर की ओर रखिए, दोनों हथेलियों को नीचे की ओर, और इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री तक उठाएंगे और एक्सेल करते हुए इसे ड्रॉप करेंगे अपने चेस्ट पर। दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे और अपने हेड को उठाते हुए अपने चिन को या फोरहेड को इस तरफ से सटाने का प्रयास करेंगे और सटा के 5 ब्रेथ तक यहाँ बने रहेंगे। आप अपने चिन को सटा सकते हैं, आप अपने फोरहेड को सटा सकते हैं, इस तरह से 5 ब्रेथ बने रहिए। बाहर जाने के लिए नीचे जाइए, इनहेल करते हुए इसे 90 डिग्री और एक्सेल करते हुए स्लोली नीचे। इसी को हम राइट लेग से करेंगे मित्रों। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, राइट को उठाए, ये इनहेल करते हुए राइट 90 डिग्री तक उठाएंगे और अब इसे एक्सहेल करते हुए ड्रॉप करेंगे। दोनों हाथों से इंटरलॉक करके अपने फोरहेड को घुटना से टच कराएंगे फाइव ब्रेथ तक बने रहेंगे। पोज से बाहर आने के लिए इनहेल 90 डिग्री और एक्सहेल नीचे। इस तरह से आप 8 सेट कर सकते हैं मित्रों। तो आइए एक सेट और मैं जल्दी में दिखा देता हूं। फटाफट आराम से लेट जाइए शवासन मुद्रा में, सुपाइन पोज में, रिक्लाइन पोज में। लेफ्ट लेग को धीरे धीरे उठाइए इनहेल करते हुए ये, और इसे धीरे से चेस्ट पर ड्रॉप कीजिए, ग्रैब होल्ड कीजिए दोनों हाथ से, सिन को भी पकड़ सकते हैं, और यहाँ नी में टुड्डी सटाइए। इस पोज में हाई ब्रेथ बने रहिए। बाहर जाने के लिए ड्रॉप, फिर से 90 और एक्सेल करते हुए वापस। इसी को फिर से राइट को इनहेल करते हुए 90 डिग्री ड्रॉप ऑन द चेस्ट, और ये ग्रैब होल्ड, और ये चिन सटाया घुटने में 5 ब्रेथ, और बाहर इनहेल करते हुए ये वापस ड्रॉप किया। तो इस तरह से हमने 2 सेट देख लिया मित्रों। आइए अब हम इसके फायदे की बात करते हैं। मुक्तासन करने से हमारे संपूर्ण शरीर छरहरा हो जाता है, चेहरे के तेज एवं ओज को तो बढ़ाता ही है। इसके साथ साथ इससे कब्ज के रोगियों को विशेष रूप से लाभ होता है कि यह हमारे लोअर एब्डोमेन एरिया को, थाई को, हिप्स को, बटक को, इन सारी जगहों से हमारे एक्स्ट्रा फैट को हटाता है। मल निष्कासन में भी कठिनाइयों को, उदर विकार के कारण होने वाले सिर दर्द, अपान वायु के ऊर्ध्वमुखी होने के कारण मस्तिष्क में गर्मी बढ़ने, संप्रम्भ आदि व्याधियों में यह आसन बड़ा ही लाभकारी है। हमारे मेरुदंड बड़े ही आराम मिलते हैं, हल्के हो जाते हैं वहां के मसल को। यह हमारे लोअर बैक मसल को भी मजबूती देता है। इसमें मित्रों हमारे हृदय संबंधी विकार सभी ठीक हो जाते हैं। श्वास रोगी को भी
लाभ मिलता है और हमारे मेरुदंड को तो यह बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाता ही है। जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शरीर में अपान वायु को बाहर निकालता है और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। यह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को एब्डोमिनल पार्ट में बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर फंसे हुए लार्ज इंटेस्टाइन में फंसे हुए वायु को निकालता है, कब्ज भी हटाता है, जिसके कारण हमारे नेक में, बैक में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो यह उनके लिए नहीं है जो हाल फिलहाल में ही एब्डोमिनल सर्जरी करवाए हों, तो उन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और फॉलो अप पोजेज की बात की जाए तो द्विपाद उत्तान पादासन इसके बाद आप कर लीजिए, सुप्त बद्ध कोनासन और शवासन तो आपको अवश्य करना ही चाहिए हर योगासन के बाद, ताकि आपके शरीर रेस्ट कर सके। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद।